Dear students of BG first semester, today we will discuss one of the important topic regarding your syllabus. आज के इस लेक्चर में हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और ये वीडियो शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके. आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना था प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं आज. फर्स्ट डेफिनेशन इज बाउंडेड बिलो सेट. बाउंडेड बिलो सेट. इफ यू हैव ए गिवन सेट, कब उसे हम बाउंडेड बिलो सेट कह सकते हैं? उसके लिए अगर हमारे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए सेट एस, इसमें एलिमेंट होंगे एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स हम मान रहे हैं इसका कोई भी एलिमेंट है. अगर हमारे पास कोई रियल नंबर के बिलोंग्स टू आर, आर में एग्जिस्ट हुआ, साइज दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू दैट पर्टिक्यूलर के, अगर ऐसा हुआ किसी सेट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि कोई के हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है रियल सेट में, सच दैट के इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जब ऐसा होगा तब जाके हम इस सेट एस को कह सकते इट इज बाउंडेड बिलो सेट. दैट इज डेफिनेशन इज लाइक दिस. गिवन ए सेट, गिवन ए सेट S is said to be bounded below if there exists K in R, there exists a real number say K in R such that X is greater or equal to K for all X belongs to S. जब ऐसा होगा हमारे पास वी से दैट पर्टिकुलर सेट इज बाउंडेड बिलो सेट. एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहां पे, इफ वी सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिनोटेड बाय एन, इट कंटेन्स एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो बिलोंग्स टू आर, साइज है क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इवन माइनस वन बिलोंग्स टू आर, माइनस वन भी हमारे पास एग्जिस्ट होगा रियल सेट में, साइज है दिस कंडीशन होल्ड्स. माइनस हंड्रेड हमारे पास एग्जिस्ट होगा, माइनस टू हंड्रेड एंड सो ऑन, वी हैव इनफाइनाइट रियल नंबर, साइज है दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहां पे, टेकिंग एस इज इक्वल टू से वन जीरो वन टू थ्री, ये हमारे पास एक सेट है. क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टू, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन बाई टू. दिस इंप्लाइज दिस सेट एंड दिस सेट आर बाउंडेड बिलो सेट्स. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सेट. बाउंडेड अबव सेट, सेम टेकिंग ए सेट से एस डैश, वी हैव टेकन हियर ए सेट एस डैश, दिस एस डैश सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सेट इफ सेम एज इन प्रीवियस डेफिनेशन,
If there exists K in R, अगर हमारे पास एग्जिस्ट कोई रियल नंबर K होगा, such that ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, Y is less or equal to K for all Y belongs to S dash. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास किसी सेट के लिए, तब जाके हम उस सेट को कह सकते हैं दैट इज बाउंडेड अबव सेट. डेफिनेशन, गिवन ए सेट एस डैश इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सेट इफ देयर एग्जिस्ट K in R such that Y is less or equal to K for all Y belongs to S as dash. जब हमारे पास ये condition satisfy होगी किसी set के लिए, we say that particular set is bounded above set. Example अगर हम लेंगे यहां पर, लेकिन S dash is equal to X such that X is negative integer. यहां पे हमने सेट दे दिया S dash, उसमें हमारे पास वो X is a negative integer. इसमें negative integer से clearly we have positive integer in real set. See, one belongs to R. Say that all the members of this set is less or equal to that particular one. इस तरह zero हमारे पास real set में. All the members of this particular set as dash is less or equal to that particular zero. इसी तरह जो भी आप positive natural number even real number लेंगे वो हमारे पास है. Say that this condition holds. इस तरह ये जो एस डैश है इट इज बाउंडेड अबव सेट. इसी तरह दूसरा एग्जांपल एस डैश इज इक्वल टू से यही लेंगे हम 0 1 2 3. इट इज आल्सो बाउंडेड अबव सेट. क्लियरली ऑल द रियल नंबर इज ग्रेटर देन 3. जो भी रियल नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 3 होगा, greater or equal to 3, such that all the members of this particular set say 0 is less or equal to that particular real number which is greater or equal to 3. चाहे 4 ले हम, 5 ले, जो चाहे बोले, उस real number से इस set के सारे member छोटे है. That is, this satisfies this condition. Means, ये set also bounded above set. इस तरह ये हमने डिस्कस किए दोनों डेफिनेशन. अब इनका कॉम्बिनेशन से हमें एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलता है, दैट इज बाउंडेड सेट. अगर हमारे पास कोई सेट होगा विच इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाउंडेड सेट की डेफिनेशन है, इफ वी हैव ए गिवन सेट एंड द गिवन सेट सेटिस्फाइज द कंडीशंस. कंडीशंस क्या है? दैट पर्टिकुलर गिवन सेट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज सेड टू बी बाउंडेड सेट. दैट इज गिवन ए सेट के इज सेड टू बी bounded set. If there exists K in R such that X modulus of X is less or equal to K for all X belongs to K. Sorry for this. X belongs to alpha. There exists alpha belongs to R.
यहाँ पे हमने के लिया था, वी हैव टेकन हियर के एज ए सेट। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जहन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा ले लिया, अल्फा ब्रांगो स्टार। इफ दिस कंडीशन सैटिस्फाइज, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब जाके दिस सेट के इज सेड टू बी बाउंडेड सेट। या इस तरह हम इस डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, गिवन ए सेट इफ दैट पर्टिकुलर सेट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज सेड टू बी बाउंडेड सेट। एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे से के इज इक्वल टू से 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास सेट है, क्लियरली इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ के इज इक्वल टू से एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स 0, 1, 0, 1 इज एन इंटरवल। अगर हमारे पास एक सेट ऐसा होगा एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स 0, 1, मीन्स एक्स इज ए रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्लियरली दिस सेट इज ऑल्सो बाउंडेड बिलो एज every member of this particular set is greater or equal to 0, that is bounded below, and all the members of this particular set is less or equal to 1, it is bounded above, means it is bounded below as well as bounded above, means ye examples hai bounded set ke. Ab ek चीज आपको जहन में रखना है, नोट, रिमेंबर दिस, एवरी फाइनाइट सेट, जो भी फाइनाइट सेट आपके पास होगा, जैसा होगा, दैट इज ऑलवेज बाउंडेड सेट। रिमेंबर दिस पॉइंट, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज बाउंडेड फंक्शन। जिसको ये सम जहन में आ गया होगा वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है बाउंडेड फंक्शन। इफ वी हैव ए गिवन फंक्शन, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। If there exists k in R such that f of x, modulus of f of x is less or equal to k for all x belongs to domain of the function. Remember this definition, given a function is said to be bounded function if there exists k in R, अगर हमारे पास कोई k exist होगा R में, such that modulus of f of x is less or equal to k for all x belongs to the domain set. Remember this. Now in next lecture we will discuss one of the important property of limits and continuity. उसी में हमें ये use करनी है ये definition. Thank you. Have a nice day.